अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका जनरल नॉलेज का 35th लेक्चर है। आप अपनी जनरल नॉलेज की बुक निकालें और उसका पेज नंबर 23 ओपन करें। जी मदर, आपने बच्चे को पेज नंबर 23 ओपन करके दे दिया। यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस अबाउट सोशल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 1 to 5 सोशल स्टडी के क्वेश्चंस ऐड हैं, जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगेन इनकी रिवीजन करें, तो आप कोशिश करें कि बच्चे की रिवीजन अच्छी तरीके से हो, बार बार बच्चे से ये क्वेश्चंस के आंसर पूछें, ताकि बच्चे को इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से याद हो जाएं। हम इसके जो हैं सेकेंड टाइम भी जो इसकी रिवीजन कर चुके हैं, आज हम इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो हैं ये रिवाइज करेंगे। चले बच्चों, आप मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का नाम क्या है? तो आप क्या आंसर करोगे? पाकिस्तान। क्या आंसर करोगे? पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? पाकिस्तान। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, Which city do we live in? आपने अपनी सिटी का नेम बताना है, जहाँ पर आपका घर है आपने उस सिटी का नेम बताना है। मतलब जो बच्चे वॉकेंड पे रहते हैं वो आंसर करेंगे वॉकेंड, जो पिंडी खेप में रहते हैं वो आंसर करेंगे पिंडी खेप। मतलब जहाँ आपका घर है, जिस एरिया में, आप उस सिटी का नेम बताओगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अब आप मम्मा को आप ये 2 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर जो हैं ये मम्मा को बताएं, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 17 आप बच्चे को ओपन करके दें। यहाँ पर हम कलर्स नेम पढ़े हैं। हम इसके 8 कलर्स जो हैं वो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। सबसे पहले हम जो कलर्स पढ़ चुके हैं, हम अगेन इनको एक दफ़ा बच्चे को रिवाइज करवाएंगे। और आप कोशिश करें कि बच्चे से ये बुक के अलावा भी जहाँ भी ये कलर नज़र आए तो बच्चे से पूछें, ताकि बच्चे को बुक के अलावा भी इन कलर्स की पहचान हो। बच्चों आप ये बताओ, ये कौन सा कलर है? येलो। कौन सा कलर है? येलो। ये कौन सा कलर है? रेड। वेरी गुड। ये कौन सा कलर है? रेड। और ये कौन सा कलर है? ब्लैक। विच इज दिस कलर? ब्लैक। विच इज दिस कलर? ब्लू। विच इज दिस कलर? ब्लू। विच इज दिस कलर? ऑरेंज। विच इज दिस कलर? ऑरेंज। विच इज दिस कलर? ग्रीन। विच इज दिस कलर? ग्रीन। विच इज दिस कलर? वायलेट। विच इज दिस कलर? वायलेट। विच इज दिस कलर? ब्राउन। विच इज दिस कलर? ब्राउन। देखिए ये टेबल का कलर, ये जिस टेबल पर मैंने ये करवा रही हूँ रीडिंग, इसका कलर भी कौन सा है? ब्राउन। विच इज दिस कलर? ब्राउन। और ये कौन सा कलर है? आज न्यू कलर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 24/7। ठीक है, ये भी वायलेट कलर से मिलता जुलता है, लेकिन ये वायलेट कलर जो है थोड़ा डार्क होता है और ये जो है थोड़ा लाइट कलर होता है। वो जो ब्रिंजल होता है, जो बैंगन, जिसको उर्दू में बैंगन कहते हैं, उसका कलर भी जो होता है वो पर्पल होता है ना। विच इज दिस कलर? पर्पल। विच इज दिस कलर? पर्पल। विच इज दिस कलर? पर्पल। ये वायलेट कलर है, ये पर्पल। वायलेट, ब्राउन, पर्पल। वायलेट, ब्राउन, पर्पल। पर्पल। समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आप ये कलर्स देखकर इस पेज पर मम्मा को इन कलर्स के नेम बताओ, ताकि आपको अच्छे तरीके से कलर्स नेम याद हो जाए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।